हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट यूट्यूब वीडियो। मैंने आपको जो टॉपिक चल रहा था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, और उसके बाद मैंने आपको उसमें उसके टाइप्स पढ़ाए थे। ठीक है, व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन को मैंने आपको एक दूसरा नाम भी लिखवाया था इसका, आई थिंक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो मैंने लास्ट वीडियो में रेगुलर और इररेगुलर दोनों जो आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स थे, दोनों की डेफिनेशन लिखवाई थी, दोनों के डायग्राम बनवाए थे, और आज की इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। बट मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने जो भी वीडियो में अब तक देखा होगा वो अच्छे से रिकॉल कर लिया होगा, संडे की संडे रिपीट कर लिया होगा, होमवर्क भी नीट एंड क्लीन करा होगा। सो आज की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, आ जाइए आप टॉपिक पर। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने जो देख लीजिए एक बार, आपको रिकॉल कर देता हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। दोनों की रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट, जब लाइट की जो रे है वो आती तो पैरेलल में लेकिन स्मूथ सरफेस पर आती है, और आफ्टर द कोलाइजन रिटर्न होती है तो सेम मीडियम में होती है बट पैरेलल होती है। ठीक है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के केस में देख लीजिए, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आ तो पैरेलल रे ऑफ लाइट रही है लेकिन सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है, या बोल सकते हैं इररेगुलर सरफेस है। कैसी है, इररेगुलर सरफेस है या रफ सरफेस है। ठीक है, तो होता क्या है, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, आने के बाद क्या होगा, वो रफ सरफेस पर आएगी तो टकराने के बाद, ठीक है, यानी कि आफ्टर द कोलाइजन फ्रॉम रफ सरफेस, वो सेम मीडियम में तो जाती है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इंसिडेंट रे जो आ रही है पैरेलल रे ऑफ जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल में होंगी, और जाने के बाद वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। ये अब तक का पार्ट टू चल रहा था, आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आगे का टॉपिक हेडिंग डालें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको रिफ्लेक्शन के परावर्तन के जो नियम है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं और क्या कहता है परावर्तन का नियम। ठीक है, एक डायग्राम आपको बनाऊंगा और उसी से मैं क्लियर करवा देता हूं इसको। ठीक है, तो आपने जो डायग्राम होता है उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाइएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले रिपीट कर देता हूं क्या होता है इसका। फर्स्ट लॉ तो क्या बोलता है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल, कि इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, सभी बच्चे घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी क्वेरी हो एट एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली, बोथ ऑफ इंक्लूडेड 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास, तीनों क्लासों के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, किसी भी वक्त आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्टडी करते रहें, साइंस के पास बहुत टाइम है, साइंस में मास्टर माइंड बनने के लिए। ठीक है, होमवर्क को नीट एंड क्लीन करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग क्वेश्चन, ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से ओनली आंसर। ठीक है, डायग्राम में पेंसिल यूज करनी है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, एंगल आई। रिफ्लेक्टेड एंगल से, रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाला एंगल है एंगल आर। तो इंसिडेंट एंगल यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये तो हो गया इसका फर्स्ट लॉ, किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सेकेंड लॉ जो होता है वो बोलता है कि जब इंसिडेंट एंगल, ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, जो किरण आ रही है उसे बोलेंगे आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, टकराने के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन लौटती है तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। देख लीजिए मैंने यहां पर कंटिन्यू किया, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तो एक डायग्राम बनवा देता हूं मैं आपको, डायग्राम बना लीजिए फिर लॉज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे, आपको स्केल पे हेल्थ से डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये वीडियो तीनों क्लासों के लिए है, 6th, 7th, 8th क्लास के लिए है। आगे के जो वीडियोज अपलोड करूंगा मैं वो सेपरेटली अपलोड करूंगा, 6th के लिए अलग, 7th के लिए अलग एंड सेपरेट 4th क्लास 9। ठीक है, टॉपिक वाइज आपके वीडियोज आने लगेंगे अब, और मेरे एक यूट्यूब चैनल है राहुल के नाम से, ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर ले। जो मेरी वीडियो को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड कलर का दिखेगा आपको, उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें घंटी के साइन पर, और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। देखिए आगे कंटिन्यू करेंगे, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ठीक है,
ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे की बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं मैं इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, बीच में बन गया नॉर्मल। तो देखिए ये कौन सी रेज है, अगर मैंने एरो ऊपर की तरफ बनाया तो कौन सी होगी, इंसिडेंट, लिखिए आई एन सी आई डी ई एन टी, इंसिडेंट रे, डेट इज क्लियर। यहां पर पॉइंट हो गया जिस पर ये टकरा रही है, वापस में रिटर्न हो रही है, ठीक है, रिटर्न हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। ये तो होगी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड, परावर्तित रे, ठीक है, डेट इज क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं, बीच में जो दिख रहा है आपको ये नॉर्मल है, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, नॉर्मल, क्या है ये, नॉर्मल, ठीक है, देख लीजिए क्लियर दिख रहा होगा, नॉर्मल दिख रहा है आपको डायग्राम में, चलो जी दिख रहा है। तो आगे करते हैं, इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल है एंगल आई, क्लियर है एंगल आई, देख लीजिए, ठीक है, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाला एंगल, एंगल आर, देख लीजिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल है एंगल आई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाला एंगल है एंगल आर, क्लियर दिख रहा है। चलो जी थैंक यू, आपको दिख रहा है बराबर, समझ रहे हैं आप। फिगर का नाम लिखिए नीचे, मैं फिगर का नाम भी लिखवा देता हूँ, फिगर का नाम लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एन सी आई, ठीक है, डी ई एन सी, इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डेट इज क्लियर है, ठीक है। चलो जी आपको लॉस पढ़ाने हैं आगे, तो ये लिख लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, आगे देखिएगा, ये लिख लिया आपने, चलो जी आगे नेक्स्ट पेज देते हैं, पेज फिल हो चुका है, ठीक है। चलो जी फर्स्ट लिखिए आप, फर्स्ट लो आपको कंटिन्यू करता हूं मैं, फर्स्ट लो लिखवाता हूँ, फर्स्ट लो में लिखिएगा आप, ठीक है, द फर्स्ट लो में लिखिएगा, द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल, फर्स्ट लो लिखिएगा, द इंसिडेंट इंसिडेंट, ठीक है, द इंसिडेंट एंगल लिखिएगा, द इंसिडेंट एंगल ए एन जी एल एंगल, ब्रैकेट में लिखिएगा, एल जो बनाते हो ना आप, देखिएगा आपने एल बनाया, जैसे एल बनाते हो ना इंग्लिश में कैपिटल में, एल को ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको पकड़ के बाहर खींच दीजिए, कैसे, इस तरीके से, किस तरीके से, ज्यादातर सिक्स क्लास के बच्चे ध्यान दे जो फिफ्थ क्लास से प्रमोट किए गए, एल होता है, एल का ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट को नीचे की तरफ खींच दीजिए, एरो का मतलब ये है नीचे खींच रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, दिखा आपको, ये हो जाएगा इस तरीके से, किस तरीके से, एल को नीचे की तरफ खींचोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके, ये एंगल का साइन है, किसका साइन है, एंगल का, तो देखिए एंगल आई, क्लियर है, एंड इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एंगल ए एन जी एंगल एंगल आर आर, ठीक है, एंगल आर आर ऑलवेज ए एल डब्ल्यू ऑलवेज इक्वल, ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल, हाँ जी, इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल यानी कि ब्रैकेट में लिखा एंगल आई एंड रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाला एंगल यानी कि एंगल आर, ठीक है, देख लीजिए आर ऑलवेज इक्वल। सेकेंड लिखिएगा द इंसिडेंट जो एंगल होता है वो तो लिखवा दिया मैंने, ठीक है, नॉर्म ये इक्वल होते हैं, और आगे लिखिएगा सेकेंड लॉ लिखिएगा द इंसिडेंट रे, ठीक है, लिखिएगा द इंसिडेंट, आगे लिखिएगा द इंसिडेंट रे, ठीक है, द इंसिडेंट रे आई एन सी आई डी ई एन टी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आई एन, ठीक है, क्या लिखो आई एन सी आई डी ई एन टी डी ई एन सी ई आई एन सी आई डी ई एन सी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे ब्रैकेट में लिख दे नॉर्मल, इसे नॉर्मल कहते हैं क्योंकि मैंने डायग्राम में आपको नॉर्मल बताया था, ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको यहाँ नॉर्मल लिखवा दिया, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसे ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जो बीच में बनता है इंसिडेंट एंगल एंड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिल्कुल बीचों बीच बनाया जाता है, ठीक है, बनने वाला बनाया जाता है, क्या बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, नॉर्मल बोला जाता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसे नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है, आर लाइज एल आई एस लाइज आर लाइज ऑन द सेम प्लेन बोल सकते हैं, तो क्या हो गया द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम एस एम सेम प्लेन में ही लाइज करते हैं, ठीक है, ये आपके दो लॉज हो गए। इसके बाद
कभी आपने लेटरल इमेज का नाम भी सुना होगा, ठीक है, लेटरल इमेज, पैरेलल इमेज, ठीक है, और प्लेन मिरर होता है एक, आपके जो होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, जो आपके टॉपिक चल रहा है ना ये रिफ्लेक्शन लाइट, ये मिरर के थ्रू कंप्लीट होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन मिरर करते हैं, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है और लेंस से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन जो आप पढ़ रहे हैं ये मिरर के थ्रू होगा। तो अपन कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का यूज पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ाऊंगा, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो लेंस में होता है, वो लेंस की बात बाद में करेंगे, पहले अपन मिरर की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक चल रहा है और ये मिरर के थ्रू पॉसिबल होता है, ठीक है। आपको कुछ डेफिनेशन भी मैं आगे लिखवाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है लेटरल इमेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि लेटरल इमेज क्या होती है, ठीक है। तो लेटरल इमेज आपने देखी होगी, आपको बता देता हूँ जिस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे एक डायग्राम बना के बताता हूँ लेटरल इमेज का, ठीक है। डायग्राम में क्या करना है, जैसे एक ये प्लेन मिरर मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक पी क्यू हो गया इस तरीके से, ठीक है। पी क्यू मिरर पे क्या करा मैंने, एक पॉइंट ले लिया, ओ से मैंने टॉर्च लगा करके रेज निकाली, हजारों रेज निकलती है लेकिन मैंने एज्यूम किया टू रेज को, टकरा करके मान लीजिए ये रेज तो इधर गई, ठीक है, और ये रेज इधर गई, गई दोनों रेज, मैंने यहाँ से एज्यूम किया आंख से, मतलब मैंने यहाँ देखा मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मैंने क्या किया पीछे की तरफ जब एज्यूम किया, तो मैंने एज्यूम किया तो दोनों रेज को जब पीछे की तरफ बढ़ाया, देख लीजिए पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ाया मैंने, तो एक पॉइंट पर मिलती है, ठीक है, उसको आई नाम दे दिया, इसको ओ नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो आई बनेगी मिरर के पीछे ये कैसी होगी, लेटरल इमेज होगी, जितनी डिस्टेंस उस पी क्यू से ओ की होगी उतनी डिस्टेंस आई की पी क्यू से होगी। तो इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, प्रैक्टिस करते रहें।